जब पहली शादी टूटती है तो अक्सर मन में यह ख्याल उठता है कि मेरी जन्म कुंडली में दूसरी शादी का योग है या नहीं, मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, वो सफल होगी या नहीं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंसान की जब पहली शादी टूट जाती है तो काफी परेशान रहने लगता है, चिंतित रहने लगता है इस विषय को लेकर के कि उसकी दूसरी शादी उसकी जन्म कुंडली में है या नहीं, उसकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, उसे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के डिसीजन वो ले नहीं पाता। उसके माता पिता, उसके परिवार वाले अक्सर इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। आइए जानते हैं इस बारे में ज्योतिष विज्ञान आपको डिसीजन लेने में कैसे मदद कर सकता है और इसका समाधान क्या है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए मैं लोगों की मदद करता आ रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के लिए दूसरी शादी करना एक ऐसा डिसीजन है जैसे वो कहावत है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक करके पीता है। किसी भी कारणवश अगर आपकी पहली शादी टूट गई है और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मेरी जन्म कुंडली में दूसरी शादी है या नहीं है, इन्हीं बातों की मदद करता है ज्योतिष विज्ञान। सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान के जरिए आपकी जन्म कुंडली का जो विश्लेषण किया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि आदमी का द्वय विवाह योग है या नहीं है, अगर है तो वह किस हद तक सफल होगा या नहीं होगा, हम उसे सफल कैसे बनाएं, इसका समाधान भी ज्योतिष विज्ञान देता है। और इस बात को मैं आपसे आगाह कर देना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके पार्टनर की जन्म कुंडली में ये बात लिखी हुई होती है कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ये बताती है। जैसे अगर राहु और गुरु चांडाल योग बना दिया सप्तम भाव में बैठ करके या लग्न में बैठ करके, शादी के कारक ग्रह अगर अकारक ग्रहों के साथ बैठ गए हैं तो भी वैवाहिक जीवन कटुतापूर्ण बीतता है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वह कटुतापूर्ण अगर जीवन बीतने वाला है तो उसका पहले से उपाय करके चलना चाहिए। और शादी होने के पूर्व कौन सी दशा किसकी चल रही है, अगर विपरीत ग्रह की दशा चल रही है तो उसकी भी शांति करके चलना चाहिए, उसका भी उपाय करके चलना चाहिए, उसके भी रत्न धारण करना चाहिए, उसका रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या जब तप होम हवन के जरिए उन बातों को शांत करना चाहिए जो हमारे विपरीत जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि कभी नीच ग्रह की दशा चल रही है और किसी कारणवश लोगों ने रत्न पहन रखा है, रुद्राक्ष पहन रखा है, तो रत्न आपने अगर पहन रखा है और नीच ग्रह की दशा चल रही है और नीच ग्रह का ही रत्न आपने धारण कर लिया है तो यह बात तो ऐसी हो जाएगी कि आपके घर में कोई नाराज होकर के बैठा है और आपने उसको तलवार पकड़ा दिया। आखिर सोचिए कि अब वो क्या करेगा व्यक्ति। मेरा कहना है कि जन्म कुंडली को देख करके आपके भविष्य के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में पूरा निर्णय लिया जा सकता है और एक एक कदम आपको बताया जा सकता है कि इस समय पर ये काम करें। और आपके पार्टनर की जन्म कुंडली को देख करके भी ये बताया जा सकता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए ताकि आपके दोनों लोगों का वैवाहिक जीवन साफ साफ और अच्छा चल सके। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में दूसरी शादी का महत्वपूर्ण फैसला एक ऐसा डिसीजन है कि जो सोचता है कि पहली शादी जो टूट गई है किसी कारण से, उस वजह से वो व्यक्ति इतना डरा हुआ रहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि फैसला हम कैसे लें, शादी होगी या नहीं होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे विवाह का योग है या नहीं। देखिए, जन्म कुंडली को देख करके ही पता लगाया जा सकता है, जैसा मैंने कहा है उसमें ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। अगर सप्तमेश की दशा चल रही है या किसी भी ग्रह की दशा चल रही है तो उसमें सप्तमेश की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो वैवाहिक जीवन की जो बात हमने किया है तो दूसरे विवाह का योग बन सकता है। और ऐसे में आपकी जन्म कुंडली के साथ साथ आपके पार्टनर की भी जन्म कुंडली का देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने कहा है, आपने सोचा है कि हमें शादी करना चाहिए और वो शादी सफल होगी या नहीं, यह बात तो आपकी जन्म कुंडली से भी पता चल सकता है और आपके पार्टनर के साथ आपकी जन्म कुंडली को मिला करके भी देखा जा सकता है कि दोनों की ग्रह दशाएं अगर एक साथ चल रही हैं, दोनों के ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये पता चलता है कि जैसे किसी को गुरु की महादशा चल रही है और किसी को चंद्र की महादशा चल रही है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्टेबल ग्रह हैं, एक दोनों के कारक ग्रह हैं, साथ देने वाले ग्रह हैं।
किसी को शनि की दशा चल रही है और किसी को शुक्र की दशा चल रही है, तो भी ये साथ देने वाले ग्रह हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि शनि की दशा मार्केश की दशा ना हो। अगर मार्केश की दशा हुई तो वो साथ नहीं देगा। तीसरी बात यह है कि शादी में जो हमने बात किया था कि योग है कि नहीं, अब योग तो है आपकी जन्म कुंडली में, दूसरी शादी का योग तो है, लेकिन वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली के तीसरे स्थान का ग्रह, नौवें स्थान का ग्रह, सातवें स्थान का ग्रह और पांचवें स्थान का ग्रह, इन सभी ग्रहों की मैत्री देखनी होगी और ये ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं उनको देखना होगा। और इसी के साथ में आपके पार्टनर की कुंडली आपके योग्य है कि नहीं, तो योग्यता को देखने के लिए उसका लग्न आपका लग्न, उसका सातवां स्थान आपका सातवां स्थान, इनमें किन किन ग्रहों की दृष्टि है और कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इन सभी बातों का विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि बिना जन्म कुंडली के विश्लेषण के डिसीजन लेना बिल्कुल ही गलत होगा। साथ ही आपके पार्टनर की जन्म कुंडली को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि वह जन्म कुंडली आपके योग्य है या नहीं, उसका साथ आपका साथ जीवन में निभेगा या नहीं निभेगा। इन सभी बातों का विश्लेषण करने के लिए आपकी जन्म कुंडली का होना आवश्यक है और यह व्यक्तिगत रूप से ही विश्लेषण किया जा सकता है। इस तरह का विश्लेषण करने के लिए आप हमसे संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ अगर इस तरह की समस्या आपके मन में उठ रही है, भाव उठ रहा है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख करके, अपनी समस्या लिख करके मुझे भेजें ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।